आचार संहिता खत्म होने के बाद बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर गरियाबंद में ग्रामीणों ने एक बार फिर आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया है। और आपको बता दें कि लगातार मांग के बाद भी कोई सुधार नहीं होने पर अब ग्रामीणों ने क्रमिक भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। जिले के देवभोग और मैनपुर विकास खंड में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण लंबे समय से सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। और मैनपुर इलाके में 100% गांव में 100% बिजली की व्यवस्था है, सरप्लस बिजली है, लेकिन यहाँ पर आके देखे कि 90% गांव में अभी भी लोग चिमनी और कंदील के भरोसे में जी रहे हैं। क्योंकि इतना कटौती हो रहा है और एकदम लो वोल्टेज है, इसलिए लोग चिमनी और कंदील पर जीने के लिए मजबूर है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन का आंख खोलने के लिए हम लोग चिमनी भेंट करने जा रहे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा और यह हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक कोई प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी या उनके प्रतिनिधि आके हमको पूर्ण आश्वस्त नहीं करते हैं और हमारी समस्याओं का हल नहीं करते हैं, तब तक ये हड़ताल जारी। ऐसा उन्होंने बताया है, वर्क ऑर्डर